नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद अब सरकार बनाने के लिए तालिबान आखिरी चरणों में है। ये बात तब भी लगभग साफ हो चुकी है कि तालिबान शासन की कमान मुल्ला बरदार को सौंपी जाएगी, लेकिन तालिबान के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार महिलाओं के शोषण के आरोप लगते आ रहे हैं। एक और जहां तालिबान के प्रवक्ता दुनिया के सामने ये बयान दे रहे हैं कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को काम करने की आजादी दी जाएगी, तो दूसरी ओर तालिबानी फरमान चौंकाने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि देश में केवल हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने शुक्रवार देर रात फॉक्स न्यूज से कहा कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई समस्या नहीं होगी, उनकी शिक्षा और काम के बारे में भी कोई समस्या नहीं होने देंगे। हमारी संस्कृति है कि वो हिजाब के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकती है, वे हिजाब के साथ काम कर सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके बिना समाज में रहने का अधिकार इस्लाम और शरीयत नहीं देता। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की संस्कृति और जीने का ढंग यहां चलने वाला नहीं है। प्रवक्ता सुहेल ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से महिलाओं के बिना हिजाब के काम करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी, जो अफगानी संस्कृति को बदलने का एक और प्रयास था। संगठन के दृष्टिकोण से यह अस्वीकार है। आपको बता दें कि तालिबान ने एक सप्ताह तक अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों पर हमले और कब्जे के बाद 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी को पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा और अमेरिका समर्थित सरकार गिर गई। खबर आ रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबानी आतंकी बेगुनाह लोगों को जबरन घरों से बाहर निकालकर मार रहे हैं। उन्होंने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वहां शरीयत कानून लागू करते हुए महिलाओं के अकेले भर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये तालिबान भैया बात करता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार हम देंगे, नौकरी भी करेंगे, शिक्षा भी मिलेगा, और दूसरी तरफ ऐसे फरमान जो काफी चौंकाने वाले हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।